बेकार हो गई लालू की चाल, महागठबंधन में सबसे आगे निकल गए नीतीश कुमार। होने वाला है बड़ा ऐलान। लालू ने नीतीश के सामने कौन सी शर्त रखी थी, उस शर्त पर मचेगा बवंडर। नीतीश को छोड़नी होगी सीएम की कुर्सी। नीतीश कुमार ने चुपचाप बताया ऐसा प्लान, सुनकर राहुल भी रह गए हैरान। अब 1977 वाले प्लान से होगा चुनाव। मुंबई में महागठबंधन की बैठक से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेल दिया है। जिस नीतीश कुमार को लोग खत्म समझने लगे थे, उस नीतीश कुमार ने एक ही झटके में बड़ा खेल कर दिया। खबर है कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा फॉर्मूला बताया है जिसके न केवल लालू की नीतीश को पीछे करने की चाल बेकार हो गई, बल्कि राहुल गांधी को भी नीतीश का वो फॉर्मूला समझ में आ गया है। खबर है कि 2024 की जंग नीतीश के फॉर्मूले पर लड़ी जाएगी, तो समझिए। दरअसल नीतीश कुमार वो नेता हैं जिसने इमरजेंसी देखी, इंदिरा गांधी के विरोध में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखा। नीतीश को पता है कि कैसे जेपी आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई थी, और अब नीतीश ने महागठबंधन को भी वही फॉर्मूला बताया है। नीतीश कुमार ने बताया कि 1977 में जैसा गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ बना, उसी तरह की तैयारी भाजपा के खिलाफ 2024 में की जाए। इंदिरा के खिलाफ गठबंधन एक था, लेकिन उसके बावजूद जनता पार्टी, भारतीय लोकदल, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी समेत सभी ने अपने अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ा। उस वक्त ये फैसला एक रणनीति के तहत लिया गया था, क्योंकि उस दौर में ऐसी संचार क्रांति नहीं हुआ करती थी। जिस इलाके में जो पार्टी मजबूत थी, वहां के वोटर उसे ही सिंबल मानकर वोट करते थे। नीतीश का प्लान है कि इस बार भी उसी तरह से मैदान में उतरा जाए। मतलब बेशक तमाम विपक्षी दल गठबंधन में हैं, लेकिन सभी अपने अपने इलाके में अपने सिंबल पर चुनाव लड़े, जिससे सभी क्षेत्रीय पार्टियों को फायदा हो। बताया जा रहा है कि नीतीश के इस प्लान पर चर्चा चल रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक संयोजक, एक चेयरमैन और 9 सदस्य शामिल होंगे। गठबंधन में एक प्रवक्ताओं की भी कमेटी बनाई जाएगी, जो हर मुद्दे पर गठबंधन का एक पक्ष रखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक गठबंधन के भीतर संयोजक का पद सबसे महत्वपूर्ण होगा। सीट बंटवारे से लेकर मैनिफेस्टो फाइनल करने की जिम्मेदारी संयोजक पर ही होगी। इसी संयोजक पद को लेकर खींचतान चल रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि गठबंधन में शामिल 5 नेता संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार के नाम पर सहमत हैं, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अघोषित वीटो लगा दिया है। लालू के विरोध की वजह से ही संयोजक को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। जो लोग नीतीश कुमार के पक्ष में हैं, उनमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी, शरद पवार जैसे लोग नीतीश कुमार को महागठबंधन का संयोजक बनाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन लालू बीच में रोड़ा अटका रहे हैं। खबर है कि लालू ने नीतीश कुमार के सामने एक शर्त रखी थी। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मांग है कि नीतीश पहले सीएम की कुर्सी छोड़ें, फिर दिल्ली जाएं। इंडिया गठबंधन का मुख्यालय दिल्ली में ही बनाने की बात हो रही है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि अगस्त में जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ था, तो एक डील हुई थी। इसके तहत नीतीश जब दिल्ली जाएंगे, तो सीएम की कुर्सी तेजस्वी के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद नीतीश के पास दो रास्ते हैं। नंबर एक, वो बिहार की सीएम की कुर्सी छोड़कर दिल्ली चले जाएं और महागठबंधन के संयोजक बन जाएं। नंबर दो, अगर नीतीश बिहार में सीएम बने रहते हैं, तो फिर आने वाले वक्त में हो सकता है उन्हें लालू के विरोध का सामना करना पड़े और वो अकेले रह जाएं। अब यहां पर देखना यह होगा कि नीतीश कौन सा रास्ता अपनाते हैं। आपका क्या मानना है, नीतीश को क्या करना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं।